अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर माशाल्लाह, ये देखिए सारी फैमिली में हमने आज पैसे तकसीम कर दिए हैं। और ये जो पैसे होते हैं आपको पता है तकसीम करने के लिए ही होते हैं। पैसे दिखा मुझे, ये हो गए जी मेरे, और इसके बाद ये भी हो गए मेरे। पहुंच चुके हैं जी, ये देखें इसके अंदर सारी कुत ही कुत है। ये आमिर खुद कर रहे हो क्या? नहीं। कौन कर रहा है? मिस्त्री मजदूर कर रहे हैं जी। कैसे कर रहे हैं? पक्का नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर इंटर हो चुके हैं, और अमीना ने वेलकम किया था, मैंने थोड़ा खींच के रखा था, फिर उसने इधर जोर लगाया लगाया, बोल रही थी कितने से आज। वाह जी वाह, आज ये पड़े हैं जी, ये देखें इस गिलास में, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं जी, इनके कर लेते हैं सबसे पहले हम गिनती। कोई चीज खा रहा है? क्या खा रहे हो? ये क्या है? खाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सब मुस्कुराते होंगे, मसूर साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक और मसूर साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। आज काफ़ी दिन चढ़ चुका है, क्योंकि तकरीबन 12:30 का टाइम हो चुका है। सहरी का मैंने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था, क्योंकि रोज़ भी सहरी का नहीं बनाते, और रोज़ भी इफ्तारी का नहीं बनाते, और रोज़ भी सेम जो कंटेंट है वो इस्तेमाल नहीं करते, वो नहीं बनाते। खैर, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, क्योंकि आज आने वाला है वीडियो का बहुत ही ज़्यादा मज़ा। आज है जी एक और बिग सरप्राइज़ जो कि देना है मैंने किसी को, जिसको देना है वो बाद में आपको पता चलेगा। वैसे हाईलाइट में आपने देख तो लिया होगा थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं जी, अभी चलते अपने वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सिद्दीक क्या खा रहे हो? क्या क्या खा क्या रहे हो? माशाल्लाह जी, ये देखें, ये कोई चीज खा रहा है। क्या खा रहे हो? ये क्या है? खाओ। किसने दिया? हैं? थोड़ा थोड़ा खाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर हैं वापस आ चुके हैं अपने रूम के अंदर, और यहाँ से आपको पता है कि कुछ सरप्राइज मैंने उठाना होता है, तो खैर वो उठाते हैं। ये आप खाओ। तो कल आपको दिखाया था कि इसमें पैसे वगैरह पड़े थे, आज देखते हैं जी किस में पड़े हैं, क्योंकि कल वीडियो में मैंने बता दिया था ना, तो फिर जगह चेंज करी थी, इसी वजह से आज। वाह जी वाह, आज ये पड़े हैं जी, ये देखें इस गिलास में, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं जी, इनके कर लेते हैं सबसे पहले हम गिनती, ताकि जहाँ पर हम जा रहे हैं उनको मुकम्मल दे भी सकें, ऐसा ना हो कम पड़ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
ये जो 4,000 है इसको रखते हैं वापस इधर, और ये है तकरीबन 30,000। सही है, अभी चलते हैं जी आगे बढ़ते हैं। तो ये किसकी है उसको देंगे हम, और ये किस काम के लिए है ये भी उनको बताना है। तो आपने साथ साथ जुड़े रहना है इंशाल्लाह। यूं गए और यूं, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, बाकी तो सब ठीक है माशाल्लाह से। और ये जो हमारी बेरी है इसकी भी नई कॉम्पलें निकल रही है, ये नई कॉम्पल है जी, और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी करके और भी निकल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएगा। ये फुल ख़त्म हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मुकम्मल सूख चुके हैं, इसके पत्ते ना मुकम्मल सूख चुके हैं। अब पत्ते तो सूख गए हैं, लेकिन इसकी जो टहनियाँ हैं वो अभी ग्रीन है, तो उनके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरे पौधे लगाने वाले थे, पौधे वालों को यार आज कॉल करनी थी, है ना, उसे कॉल लाना था हफ्ते वाले दिन, आज इतवार है ना, हफ्ते वाले दिन उसने आना था, लेकिन अभी तक आया नहीं। चलो
कोई नहीं, उसको कॉल कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं अपने काम की जानिब, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, चल पड़े हैं हम पैदल पैदल, क्योंकि सवारियां हैं नहीं, मोहल्ले में सब चली गई हैं कहीं पर। इधर आमिर माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है, खुश हो, तुम भी ऐसे ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, मज़े लगे। पैदल चल रहे यार, इधर थोड़ा सा काम था, वो करने जा रहे हैं। तो वो साल वगैरह बना रहे हो? अच्छा, क्या हाल है? मैं सोच रहा था कि तपले फ्री पड़ी हैं, तो कोई ना उनसे मांग के आज जो है ना तपले चढ़ गए हैं, जहाँ इधर जो खाचमाच लगा हुआ था, हाँ, उनको ना सफाई सफाई करनी है। अच्छा, सही हो गया, जबरदस्त। इधर काम हो रहा है या बंद है? इधर हो रहा है। चले कोई नहीं जी, आ जाओ जी, मिटा रहे हैं बस। हाँ जल्दी करो, ईद से पहले पहले ना ख़त्म करो। हाँ हाँ, अभी ईद का आसरा है, ईद से पहले पहले। ये देखे जी माशाल्लाह, ये काम तकरीबन इनका हो चुका है, और घर ये वाला भी बन गया, ये वाला भी बन गया, और इसके बैकग्राउंड पे जो भी घर था वो भी बन गया। आप पता है क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ये कि इसको उधर दूसरे में, वो प्लास्टर हुआ पड़ा, तकरीबन वो कंप्लीट हो जाएगा, बस उसका दरवाज़ा लगना है। ये दीवार आनी है, ये दीवार आनी है, दरवाज़ा लगना है, बाकी सब ओके हुआ पड़ा है। तो ये वाला प्लास्टर भी करने वाला है। ये अजीब सा बना हुआ है, ये भी खूबसूरत लग रहा है, इधर भी सेंटर में जगह थोड़ी सी। कोई नहीं जी, ओके करो। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, पहुंच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन, और उधर भीड़ भाड़ क्यों लगी हुई है यार? वो देख, नमाज जनाजा तो नहीं हो रहा किसी का? अक्सर यहाँ पर होते हैं, नमाज जनाजा भी होता है, और काफ़ी रश है वीवर, बहुत सारे बंदे नज़र आ रहे हैं। नहीं, या तो स्टेशन पे इधर अक्सर नमाज जनाजा होता है, नहीं तो कोई हादसा हो जाए तो भी होता है। ऐसे मुझे नहीं लगता कोई और काम हो, मुझे लगता है कि जनाजा हो रहा है बस तकरीबन। चलो खैर, अल्लाह पाक करम करे, अपना ख़ास करम करे, बाकी सब ओके है अल्हम्दुलिल्लाह वीवर। इस घर में हम आ रहे थे, ये वाला घर है, ये देखें, इधर पहुँच चुके हैं, और यहाँ दरवाज़ा खटखटाते हैं, अगर कोई आ जाता है तो ठीक हो जाएगा, अगर कोई नहीं आता तो फिर मजबूरी है, खटखटाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, इंटर हो चुके हैं, और अमीना ने वेलकम किया था, मैंने थोड़ा खींच के रखा था, फिर उसने इधर जोर लगाया, बोल रही थी कि नहीं आ रहा है, जाओ अम्मी को बुला के आओ। वो उधर अम्मी को बुलाने गई, हम उधर जाके बैठ गए, फिर भी बोल रही थी नहीं बाहर कोई है, कोई है, कोई है, ऐसे ही है ना। कौन था? पहले कितना कमजोरी है, उसके बाद दोबारा कमजोरी। चलिए जी चलते हैं आगे, और इधर नाना जान माशाल्लाह मौजूद है, और नानी जान भी। अस्सलाम वालेकुम नाना जान, खैरियत है, खुश हो, तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक है, शुक्र है, तबीयत से ठीक है माशाल्लाह जी। रोजा है? नहीं, तबीयत नहीं निकालती फिर मैं छुट्टी कर रहा। चले जी कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फिर जवानी देगा, फिर रोजे रखेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ, 100 साल के बाद फिर जवानी आना शुरू हो जाती है ना। चले जी माशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, और आपको तो होगा रोजा, है ना? बाकी सब रख रहे हैं रोजे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है जी, रोजे रखने चाहिए, रोजे आते इसलिए है कि रोजा रखा जाए। चोरी ना चाहिए दूसरे पता नहीं किधर है, ये बैठे आ जाए, इजाजत नहीं, इजाजत है? इजाजत ही इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शहजाद खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बैठे हैं माशाल्लाह, एसी चलाया हुआ था क्या?
पंखा चल रहा है, एसी का दौर है। आज का रूम वैसे भी ठंडे होते हैं, बाहर बाहर के बाहर का टेम्परेचर। हाँ अंदर है हमारा रूम है वो भी काफी आई मीन ठंडा रह जाता है। यस यस ठंडा। चले जी माशाल्लाह इधर बैठ चुके हैं, आपको पता है यहाँ पर हमारा एक छोटा सा मिनी सा लिटिल सा गुड़िया सा जबरदस्त सा वन सा एक काम है छोटा सा। अच्छा वो हम काम करेंगे, काम करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि ये वाला जो काम है एक सरप्राइज है आपके लिए। आप इधर आ जाएं, बाहर इधर चार पाई पे आ जाएं, सब इकट्ठे बैठे तो फिर सरप्राइज देने का मजा ही और आता है। अकेले अकेले क्या सरप्राइज देना। अमीना रोजा ना बता, ना बता रोजा, रोजा नहीं बताओ अंदर अंदर एक मिनट रात। नहीं नहीं यार वो उधर अंदर बैठ के खा जाओ, इधर हाँ इधर बैठ के खा लो। शाबाश उसने रोजा इफ्तारी की तैयारी कर लिया माशाल्लाह। अजानें भी हो रही है, मैंने बोला था ना टाइम हो जाएगा अजानें का, अजानें भी हो रही है। चले जी अजानें हो जाए फिर बात करते हैं। तो वीवर अजानें भी करीब करीब हो रही हैं क्योंकि मोहल्ला है और माशाल्लाह मस्जिद है, आपको पता है मोहल्ले में होती है तो अजानें होती रहेंगी। अगर हम अजानों के लिए थोड़ा सा वेट कर लें तो हमारी नमाज चली जाएगी क्योंकि हमने जाना होता है फिर वापस। तो हमने सोचा जल्दी जल्दी इनका जो सरप्राइज़ है वो इनको देते हैं जी। माशाल्लाह काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 3-4 दिन हो गए अल्ताफ भाई मेरे पास आई हुई थी आपकी अमानत, ठीक है वो मैंने पहुँचानी थी 3-4 दिन से। आज याद आया, याद की बात नहीं है वो ना उधर कल कल अहमद लेकर आया था, कल या परसों 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 लेकर आया था तो फिर टाइम नहीं मिला ना इधर आने का, रोजा होता है इसी वजह से ना, और भी काम बहुत सारे होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30,000 ये ले जी। ये है 30,000 आपकी अमानत। और मजीद इसके लिए मैं डिस्कस करता चलूँ तो एक सिस्टर है USA से, USA हाँ पता है कौन सा इलाका है USA? USA है इंग्लैंड, अमरीका का। हाँ अमरीका का इंग्लैंड वाली है, इंग्लैंड यूके में आता है, यूके में आता है। चलें जी ये जो अमानत सिस्टर आपने दी थी ये मैंने पहुंचा दी है और इसका आप करना क्या है ये भी मैं इनको डिटेल के साथ बताऊंगा अभी। वो ये है कि इनका आपने लेना है ओनली ओनली राशन, ठीक है मतलब कोई और जैसे बंदा सोचता है कि मैं कोई शूज ले लूँ कोई कपड़े ले लूँ या कोई भी चीज़ वो नहीं लेनी, ठीक है सिर्फ और सिर्फ राशन लेना है और खाने पीने के आइटम जितने भी आप फ्रूट भी ले सकते हैं, बच्चों की कोई फरमाइश हो चिकन वगैरह की बिरयानी की कोई भी चीज़ की वो आप खरीद सकते हैं, ठीक है और जितना हो सके रोजे के लिए आपने ये सब करना है इंतजाम, सहरी इफ्तारी ये सारा निज़ाम आपने देखना है, ठीक है। तो जिस सिस्टर ने भेजे हैं उनके लिए आपने सिर्फ इतना दुआ करनी है क्योंकि वो पिछले 8 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनकी सेहत के लिए आपने दुआ जरूर करनी है, मज़ीद उनकी जो भी परेशानी है उसके लिए भी आपने दुआ जरूर करनी है, ठीक है। अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक उस सिस्टर के ना तबीयत जैसे खराब है अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी। मज़ीद उनका मैं नाम आपको बता दूंगा जो आप इफ्तारी में सहरी में उनके लिए दुआएं करनी है तो वो विदाउट कैमरा बता दूँ क्योंकि कैमरे में नाम नहीं लिया, अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। तो ठीक है सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अमानत भेजी और माहीउद्दीन भाई ने हम तक पहुंचा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अमानत हम तक पहुंच चुकी है, आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा थोड़ा वेट करें फिर बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर माशाल्लाह ये देखें सारी फैमिली में हमने आज पैसे तकसीम कर दिए हैं और ये जो पैसे होते हैं आपको पता है तकसीम करने के लिए ही होते हैं और सबसे ज्यादा ये आते हैं रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में और क्योंकि लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं इनको भी दे दिए पैसे बहुत सारे। नानी जी किसके पैसे हैं आपके हैं? अच्छा माशाल्लाह सिस्टर को भी दे दिए हैं, नाना जान को भी दे दिए हैं, अल्ताफ भाई को दे दिए हैं और बुआ जान नानी जान उसको भी दे दिए हैं, आपको मिल गए पैसे। अमीना ने तो बताया ही नहीं, अमीना आपके पास पैसे हैं? हाँ जी। कितने हैं? जो बच जाए वो कुर्बानी में इकट्ठा मेरे लिए कर लेना, ठीक है। हाँ
इसके लिए भी माशाल्लाह वो देखें, उसके हाथ में भी पैसे हैं, इसके चेहरे पे बात थोड़ी देर के लिए खुशी है क्योंकि मैं वापस लेने वाला हूँ। और अगर उसको ज्यादा पैसे दे देता वो पता क्या करती है, भिड़ जाती है कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। इसी वजह से मैंने उससे पहले वादा लिया है कि आप मुझे ना पैसे वापस करेंगे। तो ये जितने सारे पैसे हैं जी, इनकी डिटेल मैं आपको सबको बताता हूँ। अभी थोड़ी सी मुझे इजाजत दे दे, ओके। अल्लाह पाक के फजल करम से जी सबको पैसे दे दिए हैं, आपको पता है। अमीना पैसे दिखा मुझे, ये हो गए जी मेरे, और इसके बाद ये भी हो गए मेरे, इधर दो पैसे, ये भी मेरे हो गए, अल्लाह भाई आप भी दे दो, और ये भी आ गए, और गुड़िया आप भी दे दो, ठीक है। ये वापस उठाने का या किसी की दिलेजारी करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ ये पूरे करके लास्ट टाइम में आता भाई को अमानत सौंप के जा रहा हूँ। अब बाकी इनकी मर्जी है, जिसको मर्जी तकसीम कर दें, बांट दें, उड़ा दें, जहाँ भी करें इनकी मर्जी। नहीं, जैसे आपने बोला फिर वही चीज करनी पड़ेगी ना, उड़ाने थोड़े हैं इसको, वहाँ पर तो उड़ेंगे ना। हाँ, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस 30,000 पूरा। ये रही ये अमानत पहुंच चुकी है, और बाकी आपने मैंने डिटेल इनको सारे के सारे बता दिए। सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज यूं से मान लें कि मेरे सार से तकरीबन काफ़ी बहुत सारा जो वजन था वो उतर चुका है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, अब इनकी मर्जी है, ये इनका जो दिल करेगा मजीद। शायद आप भी इनके साथ रब्ते में होंगी, जो भी डिटेल वगैरह है जो भी बातचीत है वो भी आप कर सकती हैं। तो अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना सारी हेल्प करी है, राशन वगैरह वो भी रमजान और मुबारक में आपने भेजी है। तो अल्लाह पाक आपका ये भेजी गई रकम अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बेस्ट ऑफ लक। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर अमानत पहुँचा दिया, ठीक है अल्ताफ भाई, मुझे इजाजत हो गई। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आपने अमानत पहुंचाई और उस सिस्टर को भी खुश रखे अल्लाह पाक, और सेहत वाली लंबी जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, कोई बात नहीं, ठीक है नाना जान, सब कोई इजाजत थे क्या, ठीक है ठीक है। अच्छा बाला भाई आपके वेला भाई, ठीक है गुड़िया, अल्लाह हाफिज। वो नानी भी हंस रही है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज करो। हाँ अमीना अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, रोज आता है क्या देखे, खरगोश अभी छोटे छोटे हैं, इतने इतने हैं, इतने छोटे छोटे हैं, वो जब ज्यादा हो जाएंगे ना फिर ले आना। हाँ अभी छोटे छोटे हैं, 11 बच्चे निकले थे, 11 जिसमें से अभी 3 हैं, बाकी कितने 9 8 8 गए, ओके मर गए। हाँ वो जिसमें से 6 पहले 6 मरे थे, 5 5 थे, क्यों मार रहे हैं वो वाइट खरगोश नहीं है, वाइट उसने दूध नहीं दिया था, ठीक है वो मर गए, पैदा कर दिया दूध नहीं दिया। हाँ दूध नहीं दिया, वो भी हमारी अपनी मिस्टेक है, ऊपर मट्टी दे दे के ना उनको दफन कर देती थी। अच्छा जो दूसरी है उसमें से 2 हमारी गलती की वजह से मर गए, और बाकी 1 बिल्ली उठा गई, 3 बाकी है। चलो कोई नहीं, आप दोबारा से वो बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रही है, पल जाते हैं लेकिन उधर किसी किसी के ना खरगोशनी का ये हाल होता है, हम उधर से उठाते रहे ना जगह देखते रहे उनकी, और फिर जब बार बार देखा बार बार देखा, वो अपने बच्चों की सेफ्टी कर रही थी अपनी तरफ से कि मट्टी दे के छुपा दो, लेकिन वो दफना दफना के मार दिया, ये बात होती है। अब आ जाएंगे इंशाल्लाह, सारे सेट रहेंगे, ठीक है फिर, देर हो रही है हमें, अल्लाह हाफिज। वीवर वापस रेलवे लाइन पे हम आ चुके हैं माशाल्लाह, ये देखें, और गाड़ी ना इस साइड से आ रही है ना ही इस साइड से आ रही है, दोनों साइडें अभी फ़िलहाल बंद है। उसका रीज़न ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना है ना, सवारियां बहुत कम सफ़र करती हैं और थोड़ा क्लोज़ कर देते हैं रेलवे को भी, बसें तो खैर चलती रहती हैं है ना, रेलवे को थोड़ा क्लोज़ कर लेते हैं, खाली इंजन डीजल बहुत ज़्यादा पीता है। अल्लाह पाक करम करे ईद के नज़दीक नज़दीक फिर इतनी चला देते हैं, इतनी चला देती हैं, किराए बसों वाले बढ़ा देते हैं, ऐसे ही मनमानियाँ शुरू हो जाती हैं, कहाँ कहाँ बंदा याद करेगा पाकिस्तानियों को। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर पहुँच चुके हैं अहमद भाई के मड हाउस, अब सही है, आमिर भी हमारे साथ साथ है माशाल्लाह। आपने ये तो देखा होगा गोपा, लेकिन अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ साल,
जिसको लग गया है पूरा साल। इधर पहुंच चुके हैं जी, ये देखें इसके अंदर सारी कुत ही कुत है। ये आमिर खुद कर रहे हो क्या? नहीं। कौन कर रहा है? मिस्त्री मजदूर कर रहे हैं जी। कैसे कर रहे हैं? पक्का नहीं कर रहे है ना? पक्का कर रहे हैं जी। काम शुरू है। नहीं मैं बताता हूँ, वो रीज़न ये है कि इसको काटना था ना भाई आमिर। ये दीवार से नीचे क्यों लमकी हुई है? इधर ईंटें लगती हैं दूसरी साइड पे और ये उसके अंदर फंस जाती है। फिर इसको पक्का किया जाता है, ऊपर लिपाई करके ना ईंटों से क्रॉस किया जाता है। यार इतना पता नहीं है आपको है। तो फिर ये क्यों नहीं कराया? ये इसलिए नहीं कराया कि ये ऊपर जो ना कुछ तोड़ फोड़ हमने की है पत्थरों की। ऊपर की है ना, नीचे इधर करना चाहिए था। चल खैर, हम क्यों इतराज़ उठाएं किसी के काम का, करते रहे। इसके ऊपर और डालना है कुछ या नहीं? शापर डालना है बस, ऐसे ना कुछ ये डालेंगे ना। इनके ऊपर लिपाई भी होती है, ठीक है, और शापर भी डालते हैं, लिपाई भी होती है और तरपाले वगैरह भी इसके ऊपर ना। और जो होते हैं ना वो कोने सच्चे जिसे बोलते हैं, वो इतनी इतनी स्टेप बनाते हैं उसके, पहले इधर लगा गए फिर वाला ऊपर लगेंगे, फिर ऊपर लगेंगे, थोड़े थोड़े करके तोड़ तोड़ तक, फिर मट्टी मट्टी लगेगी। नहीं इसके पे ऊपर मट्टी भी नहीं लगेगी, ये ऐसे रहती ऐसे है। इसके अंदर से ना वो बनाते हैं, बंद करते हैं, खूबसूरती करते हैं। खैर ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का कप बन जाएगा। कप ये है तो साल कप की तरह बन जाएगी, ये नीचे नीचे गिर जाएगी। कोई नहीं जी, चलते हैं घर वापस। और ये आमिर जाने, इसका काम जाने, हमें क्या पड़ी है कि इसके काम में दखल अंदाजी करें, ऐसे ना, ऐसे ही है ना। माशाल्लाह कोई नहीं, आप इनका तला देख, माशाल्लाह काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो चुका है। इस इनको भी बेचारे को मुर्गियां नहीं उठने देती ऊपर। ओके हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह भी बाहर पहुंच चुके हैं वापस अपने घर। और मड हाउस भी देख लिया हमने, थोड़ी थोड़ी साल की सेटिंग भी बता दी आमिर भाई को, और अभी तिलावत का टाइम हो चुका है। और मुझे अभी इजाज़त है, दुआ में याद रखिएगा। और आज वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, सरप्राइज़ कैसा लगा जी, आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दूसरा ये है कि उस सिस्टर के लिए दुआ आपने ज़रूर करनी है, US में रहती हैं, काफ़ी बीमार रहती हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी हेल्प की है, पहले भी करती रही हैं, अब भी कर रही हैं माशाल्लाह। तो हम सब की दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी सेहत अच्छी कर दे और उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो अभी मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।